हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिनको जनरली हम वायर वाला ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं और आड़े तिरछे दांतों को ठीक करने का जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, सिर्फ आड़े तिरछे दांतों में नहीं, और किन कंडीशंस में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कितने टाइप्स के ये होते हैं। जनरली जो तीन टाइप के यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं ये हम देखेंगे, कितना समय लगता है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में, और इसका कॉस्ट लगभग कितना आ जाता है, इसमें जो खर्च है, जो तीनों ऑप्शन है इसमें लगभग खर्च कितना आ जाता है, और देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको भी सजेस्ट किया गया है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, या फिर आप आगे कराना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन कंडीशंस में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो ब्रेसेस हैं हम लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, अगर आपके दांतों के बीच में गैपिंग है, दूर दूर है दांत, उस कंडीशन में हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं। इसके बाद अगर आड़े तिरछे हैं, जैसा कि जनरली हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा आड़े तिरछे अगर आपके दांत हैं, उन कंडीशंस में ब्रेसेस लगाए जाते हैं। इसके बाद अगर क्राउडिंग आपके दांतों में ज़्यादा है, क्राउडिंग मतलब कि दांत आपस में मिले हुए हैं, अगर दांत ऊपर नीचे है, एक के ऊपर दूसरा दांत है, इस टाइप की कंडीशंस अगर है, क्राउडिंग ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में भी ब्रेसेस दिए जाते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया जाता है। इसके बाद अगर आपके दांत प्रोक्लाइंड है, मान लीजिए पूरे दांत आपके ठीक हैं, आड़े तिरछे नहीं हैं, क्राउडिंग नहीं है, लेकिन प्रोक्लाइंड है, मतलब कि बाहर की तरफ ज़्यादा निकले हुए हैं, तो इन कंडीशंस में भी ब्रेसेस लगाए जाते हैं। या फिर आपके दांत रेट्रोक्लाइंड है, मतलब अंदर की तरफ हैं, दांत ठीक हैं, क्राउडिंग नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ झुके हुए हैं, तो इस कंडीशन में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराया जाता है। ओवरऑल जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, आपके पूरे दांतों को अलाइनमेंट में लाने के लिए, पूरे दांतों को जो नॉर्मल स्माइल होती है, जो नॉर्मल ओक्लूजन होता है, उसमें लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं और क्या इनका खर्च होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो जनरली तीन टाइप के जो ब्रेसेस है वो यूज़ होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है मेटल ब्रेसेस। आगे समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टूथ हैं ब्रेसेस में, सभी टूथ में पहले ब्रैकेट लगाया जाता है, इनके सेंटर में ब्रैकेट लगाया जाता है सभी टूथ में अलग अलग, और जो वायर है, ऑर्थोडोंटिक वायर है, वो उस ब्रैकेट के बीच से जाता है और उसमें प्रेशर एडजस्ट करके करेक्ट किया जाता है, जो ऑक्लूजन है उसको करेक्ट किया जाता है। तो जनरली दो यूनिट हम इसमें समझेंगे कि पहले एक ब्रैकेट लगाया जाता है और उसमें वायर जो है बीच में फंसाया जाता है ब्रैकेट्स के। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैं बता रहा था, मेटल ब्रेसेस। तो मेटल ब्रेसेस में क्या होता है, जो ब्रैकेट्स हैं जो दांतों के बीच में लगेंगे वो, और जो वायर है, दोनों ही मेटल के होते हैं, तो देखने में पता लगता है कि आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं। मेनली होता है ये अपीयरेंस पर, दिखने पर, बाकी जो तीनों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट तीनों के सेम होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसके कॉस्ट की अभी हम बात करेंगे, अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक ब्रेसेस में जो ब्रैकेट्स की हमने बात की, वो सिरेमिक के होते हैं, मतलब कि दांत के कलर के होते हैं। जो मेटल ब्रेसेस में ब्रैकेट्स थे वो मेटल के थे, और जो सिरेमिक वाले ब्रेसेस हैं, इनमें जो ब्रैकेट्स होंगे वो सिरेमिक के होंगे, दांत के कलर के होंगे। तो जब ये दांतों के बीच में लगते हैं तो समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, अगर दूर से कोई आपको देखता है तो पता नहीं चलता है कि आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं, और इनके बीच से जो तार जाता है वो बस थोड़ा सा विजिबल होता है, लेकिन अगर दूर से कोई आपको देख रहा है तो समझ नहीं आता है कि आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंस है मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस में। मेटल ब्रेसेस में वायर और ब्रैकेट्स दोनों मेटल के होते हैं, तो विजिबल होता है काफ़ी। इसके बाद सिरेमिक ब्रेसेस में सिरेमिक का ब्रैकेट होता है और वायर बस विजिबल होता है थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिन्हें बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस मतलब इन्हें अंदर की तरफ से लगाया जाता है। अभी हमने जो दो ब्रेसेस की बात की, उन्हें बाहर से लगाया जाता है, ये हमारे दांत है, इसके बाहर से लगाया जाता है, तो वो विजिबल होते हैं, दिखते हैं। लेकिन अगर पेशेंट चाहते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी हो, दांत ठीक हो जाए, लेकिन दिखे ना, तो उसके लिए होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस आपको अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं।
जो हमारे दांत की अंदर वाली लेयर है, अंदर साइड है, यहाँ यहाँ पर ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, सामने से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपीयरेंस का डिफरेंस है तीनों में। मेटल ज़्यादा दिखता है, सिरेमिक में सिर्फ वायर दिखता है, और जो लिंगुअल ब्रेसेस है बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। रिजल्ट तीनों का ही सेम है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, गैपिंग है, क्राउडिंग है, प्रोक्लिनेशन है, रेट्रोक्लिनेशन है, सभी आपका ठीक हो जाएगा तीनों ही ब्रेसेस से, सिर्फ अपीयरेंस का फ़र्क है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कॉस्ट की। और जैसा कि जितने भी वीडियो में मैं कॉस्ट बताता हूँ किसी ट्रीटमेंट की, उसमें मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि जो भी कॉस्ट बता रहे हैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कि आपको एक आइडिया हो कि कितना खर्च लग सकता है। इसके बाद क्लिनिक के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग। अब जैसे मेटल आप लगवाते हैं तो मेटल में भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्लिनिक के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। तो जो भी आपको मैं कॉस्ट बताऊंगा ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कितना खर्च हमें इस ट्रीटमेंट में लग सकता है। तो मेटल ब्रेसेस की अगर बात करें तो मेटल ब्रेसेस में 16,000 से 20,000 तक का खर्च आ जाता है। और ये खर्च मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ट्रीटमेंट कंप्लीट होते तक का ये खर्च है। तो 16,000 से 20,000 तक का खर्च मेटल ब्रेसेस में आ जाता है। अब हम सिरेमिक ब्रेसेस की बात करें जो इनविजिबल हैं, जो दिखते नहीं हैं, सिरेमिक जो अभी हमने समझा, इनका खर्च होता है 25,000 से लेकर 35,000 तक। 25,000 से 35,000 के बीच सिरेमिक ब्रेसेस लग जाते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की इसमें भी हम बात कर रहे हैं। अब लिंगुअल ब्रेसेस की अगर हम बात करें जो अंदर से लगाए जाते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, तो इसका खर्च 50,000 से 60,000 तक हो सकता है। तो लिंगुअल ब्रेसेस 50,000 से 60,000 तक, सिरेमिक ब्रेसेस 25,000 से 35,000 तक, और जो मेटल ब्रेसेस हैं वो 16,000 से 20,000 तक इनका खर्च होता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिजल्ट्स हैं वो तीनों के सेम हैं, बस मटेरियल का, कॉस्ट का फ़र्क होता है। रिजल्ट्स तीनों में आपको सेम मिलेंगे। अब बात करते हैं समय की, टाइम की, कि कितना टाइम इस ट्रीटमेंट में लग जाता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में कंप्लीट होते होते कितना टाइम लग जाता है। तो ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट में अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम लग सकता है। अगर क्राउडिंग ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, अगर क्राउडिंग बहुत कम है, प्रोक्लिनेशन कम है, तो टाइम आपको कम भी लग सकता है। लेकिन जनरली इसका जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 1.5 साल तक चलता है। 1 से 1.5 साल तक सभी केसेस में, जितना भी क्राउडिंग हो, जितना भी आड़े तिरछे दांत हो, 1 से 1.5 साल तक के ट्रीटमेंट में आपको कंप्लीट रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे रिजल्ट आपको 6 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होते होते 1 से 1.5 साल लग जाता है। और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रिटेंशन प्लेट्स दी जाती हैं। जब आपके ब्रेसेस निकाल दिए जाएंगे, जो फिक्स्ड ब्रेसेस लगे हुए हैं उनको निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद आपको प्लेट्स दी जाती है, रिटेंशन प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं, वो आपको लगानी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और जिन्हें भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो चैनल के वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।